भैया जी कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं आनंद दुबे आप ही के पास आना चाहता हूं, लेकिन मैं संजीव झा जी जो मौजूद है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता यहां पे, उनका एक सेंटेंस मुझे बिल्कुल ध्यान है। उन्होंने नवीन कुमार जी से कहा, संजीव झा जी नवीन कुमार से साफ कहा कि बेड हम बनाने के लिए तैयार हैं और बेड हमारे 10,000 का या 1,000, 10,000 बोला आपने, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड करा दें। नवीन कुमार जी इस पे जवाब अगर आप दे देंगे तो बहस खत्म। जिस वक्त कहेंगे ये बहस खत्म, कोई बहस है ही नहीं, ये सब निरर्थक है बहस। आप अगर ऑक्सीजन जितनी मांगी गई है, इन्होंने जितनी मांगी है उतनी आप इंश्योर करा दें। राधिका मौजूद है यहाँ पे, शिवसेना मौजूद है, डॉक्टर विष्णु पागरे और संजीव झा। संजीव झा ने कहा कि बेड बनाने को तैयार है वो, बस सिर्फ ऑक्सीजन आप इंश्योर करा दीजिए, सिर्फ ऑक्सीजन। चलो मैं आ रहा हूँ, आई विल गिव यू चांस, बीजेपी को चांस दे रहा हूँ। मैं आनंद दुबे कुछ कहना चाहते हैं, आनंद दुबे मैं माफी के साथ मैं माफी मांग रहा हूँ, मैं फर्स्ट रैंक में नहीं पूछ पाया आपसे। आनंद दुबे मैं आ रहा हूँ, नवीन आ रहा हूँ, आनंद दुबे प्रदीप भाई मैं 10 से बोलूं उनका जवाब दे दूं। नहीं नहीं पहले आनंद दुबे, आनंद दुबे, आनंद दुबे, शिवसेना केंद्र सरकार ने आंखों में पट्टी बांध रखी है। मोदी जी को बहुत बड़ा शौक है कि आपदा में भी अवसर कैसे ढूंढा जाए और राजनीति की जाए। उन्होंने टीवी पर आकर ये कह दिया कि टीका उत्सव मनाएंगे एक मई। आनंद दुबे, आनंद दुबे गाली, आनंद दुबे गाली देने से बेहतर है कोर्ट ने जो कहना था वो कह दिया। आप तो मुद्दे पे आओ, सीधे मुद्दे पे आओ। जैसे मैंने मुद्दे की एक ही लाइन उठाई, आम आदमी पार्टी ने कहा बेड बनाने को तैयार हूँ, बेड बनाने को तैयार हूँ, ऑक्सीजन वो दें। मैंने ऑक्सीजन की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की, तो सीधा सीधा मुद्दे की बात कह रहा हूँ। तुम्हें बिल्कुल मुद्दे पे आओ, मुद्दे की बात कह रहा हूँ, मैं मुद्दे की बात कह रहा हूँ। एक मुझे ध्यान से सुनिए, मुझे समझ दीजिए। उन्होंने कहा कि 1 मई से लेकर 18 वर्ष से लेकर 44 वर्ष आयु के व्यक्ति, हेलो जी जी मैं सुन रहा हूँ बोलिए। चौवालीस वर्ष के व्यक्ति टीकाकरण कर सकते हैं। आप महाराष्ट्र के साथ एक ऐसी नीति अपनाने जा रहे हैं टीका को लेकर कि पूरा महाराष्ट्र आज चिंतित है, मुंबई चिंतित है। आपने हमें टीका नहीं दिया और कहते हैं टीका उत्सव मनाइए। वहीं की अदर पूना वाला कहते हैं कि आपने हमको ऑर्डर दिए थे 26 करोड़ वैक्सीन के डोजेस बनाने का, जो कि हमने 15 करोड़ आपको बना के डिलीवर कर दिया है, बचा 11 करोड़ वो भी हम आपको जल्द ही बना के दे देंगे। जब एक साल कोरोना से देश जूझ रहा था, तो क्यों नहीं आपने उस समय इन दो बड़ी कंपनियों, एक सीरम इंस्टीट्यूट और दूसरी भारती बायोटेक को आपने ऑर्डर दिया। जब उनको आपने ऑर्डर ही नहीं दिया है कि वैक्सीन बनाइए भारत की जनता के लिए, तब आप कैसे कह सकते हैं कि पूरे भारत को एक साथ आप टीका लगवाइए। अदर पूनावाला का ये स्वयं खुद का कहना है, अदर पूनावाला कह रहा है, ये कोई और नहीं कह रहा है। अदर पूनावाला ने यहां तक कहा है कि मैंने जो वैक्सीन की डोजेस बनाई है वो सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए, मैंने जो विदेशों में मुझे देना था, एक्सपोर्ट करना था, वो भी मैंने बंद कर दिया, जिसके लिए मुझको लीगल नोटिसेस का सामना करना पड़ रहा है। और आपको एक जानकर हैरानी होगी कि मुंबई की आबादी 2 करोड़ के करीब है, मुंबई में आज केवल 5 जगह वैक्सीनेशन सेंटर खुले हैं। ये कितनी शर्म और दुर्भाग्य की बात है। आज मुंबई जैसे शहर जो कि देश की आर्थिक राजधानी है, आप उसके साथ धोखा कर रहे हैं। आपको उसको बताना होगा टीका की व्यवस्था नहीं थी। बिल्कुल नवीन कुमार, बिल्कुल जवाब देंगे। एक कॉलर है राजस्थान से जी जल्दी से बोलिए, अपनी बात बोलिए जी। प्रतीक जी नमस्कार, अपनी बात बोलिए। नमस्कार सर, नेताओं ने कहां से बोले का बेड़ा गर्क कर दिया है। मेरी समस्या ये है कि आज सुबह मैंने 9 बजे वैक्सीन लगवाने के लिए covid.gov.in पर मैंने, मेरा और मेरी धर्मपत्नी का अपॉइंटमेंट BCMO लक्ष्मणगढ़ में 11 बजे से और 12:30 बजे तक कर लिया। बड़े इंतजार के बाद मुझे अपॉइंटमेंट मिला, वैक्सीन लगवाने पहुंचा, लाइन में लगा, और लगवाने का जब नंबर आया तो स्टाफ ने मुझे बताया कि आपका अपॉइंटमेंट ही कैंसिल हो गया है। सर दुख हुआ, लेकिन मैं उन लोगों को देखकर जी रहा हूँ जो लोग अस्पतालों में हैं। मैं News18 के माध्यम से गुजारिश करता हूँ कि सिस्टम को ठीक करवाइए, परेशानी और से नहीं, तो कारण क्या बताया? राम मिश्रा जी कारण क्या बताया? कारण यह बताया कि आपका अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गया है सिस्टम के द्वारा। सर मेरा तो यही समझ नहीं आ रहा कि कौन सा सिस्टम है। नेताओं को अभी सुधारना चाहिए, अभी तो 18+ की वैक्सीन का स्टार्टिंग का समय है और देश युवाओं का देश है। युवाओं का देश अगर अस्पतालों में भीड़ में जमा हो जाएगा राइट, राम जी, ना, ना, राइट
राइट राइट राइट राम मिश्रा जी, आपका अपॉइंटमेंट था अलवर राजस्थान से बोल रहे थे जी, अलवर राजस्थान से बोल रहे थे कि आपका अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया आपका पत्नी का और बहन का, कि क्योंकि का बताया गया कि आपका कोई रीजन आपने नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि आपका अपॉइंटमेंट कैंसिल हुआ। नवीन आनंद दुबे ने बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है, आप मुंबई जैसे शहर में सिर्फ 5 जगह टीकाकरण, और उसमें भी मुझे नहीं मालूम है कि सेकंड डोज के लगने के लिए सेकंड डोज के लिए क्या होगा, और मुझे उसका भी जवाब दीजिए। संजीव झा ने जो बोला है, मैं संजीव झा से सवाल पूछूंगा, ईडी की सरकार थी ना जो रामलीला मैदान पे, रामलीला मैदान पे सरकार को उतार लाई थी, रामलीला मैदान पे सरकार को उतार के लाने के लिए बात संजीव झा ने ही कही थी। मैं इनसे पूछूंगा कि कितनी सरकार आ गई रामलीला मैदान में और कितना लोगों को लया मिल गया। पर नवीन कुमार जी वो सवाल का जवाब दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि संजीव झा ने कहा अस्पताल बनाने को तैयार हूँ, ऑक्सीजन जो है आप इंश्योर करिए। मैं तीनों की बात का जवाब देता हूँ प्रतीक भाई, एक का नहीं। अभी राजस्थान से जो व्यूअर्स बोल रहे थे उन्होंने दर्द की बात सही की, राजस्थान सरकार से तो साहब वैक्सीन चोरी हो रही है, वो वैक्सीन चोरी करवा रहे हैं तो वो क्या किसी को टीका लगाएंगे, ये उसका जवाब देंगे। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, महाराष्ट्र में आपने कहा कि टीकाकरण के 5 सेंटर खोले हैं, महाराष्ट्र में आनंद भैया 5 लाख वैक्सीन आपने एक्सपायर कर दी, 5 लाख, 2.5 लाख लोगों की जिंदगी बच सकती थी। आप वैक्सीन लगाने की जगह पूरी सरकार उसके विरोध में थी कि जब तक टेस्टिंग रिपोर्ट तीसरी नहीं आएगी हम नहीं लाएंगे। कितना बड़ा क्राइम है 5 लाख वैक्सीन खराब करके, अब आगे आप प्रवचन दे रहे हो कि वैक्सीन लगना चाहिए, है? एक बार नहीं सोचा। मैं कांग्रेस की अभी हमारी प्रवक्ता साथी बोल रही थी, उन्होंने कहा कि लाशों के ढेर पर आप राजनीति करना चाहते हैं, कौन कर रहा है लाशों के ढेर करना चाहते हैं, हम या आप? आपके राहुल गांधी ने वैक्सीन लगवाई, लोगों को प्रेरित किया, नहीं किया लोगों को, उन्होंने वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों पर सवाल उठाया, आप कह रहे हैं आप वैक्सीन आप क्यों नहीं परचेज कर रहे हो, आपके वैक्सीन प्रति भाई मैं किसी के बीच में नहीं बोला हूं, मुझे कम से कम आप बोलने दीजिए, 3 लोग मेरे पर आरोप लगा रहे हैं, मैं किसी पे नहीं बोला, मुझे 30 सेकंड तो दीजिए ना कम से कम, मुझे नहीं आप 16 मिनट बोल दीजिएगा पर वो मुद्दों पे बोल दीजिएगा, मैं केवल मुद्दों पे सब बात। कोलकाता से कॉल आप जनता देख रही है, अगर आप मुद्दे पे बोलते ना तो जनता जानना चाहती जवाब का। झा साहब के सवाल का जवाब दीजिए और आनंद दुबे के सवाल का आपने जवाब दिया, ये क्राइम है कि अगर 5 लाख अगर वैक्सीन वेस्ट होती है तो ये क्राइम है आनंद दुबे, क्राइम है, इसमें तो मुकदमा चलना चाहिए, लिखाया जाना चाहिए, यह क्राइम है आनंद दुबे। घोष साहब कोलकाता से बोले, दादा बोलो दादा, जी नवीन जवाब दीजिए, नवीन जवाब दीजिए, अभी कॉलर का फोन कट गया जी, नवीन कुमार जी जवाब दीजिए। प्रदीप भाई, आम आदमी पार्टी ने कहा कि दिल्ली में अगर वो वैक्सीन देते 10,000 बेड उनके, वो ऑक्सीजन देते 10,000 बेड उनके पास तैयार है, 30 अप्रैल तक दिल्ली के अंदर 8 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगने थे, एक नहीं लगाया वो अलग बात, 30 मई तक ये 44 लगाएंगे, कैसे लगाएंगे अभी तक नहीं बताया, रामलीला मैदान में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आप किस आधार पर तैयार कर रहे हो? अगर रामलीला मैदान में आप तैयार कर रहे हो उससे बेहतर होता कि आप ऑक्सीजन की व्यवस्था करते उस जगह पर जहां बने हुए बेड है, जहां आपके हॉस्पिटल तैयार है। रामलीला मैदान पे ये तैयार नहीं कर रहे, रामलीला मैदान पे बात का प्रेफरेंस कुछ और था प्रतीक भाई, रामलीला मैदान का बात करना ही, दिल्ली के अंदर जो दिल्ली सरकार क्यों जाकर के जगह जगह फोटो सेशन करा रही है कि वो जा रहे हैं राधास्वामी सेक्शन सेंटर में वो बनवा रहे हैं, वहां जाकर रामलीला मैदान में बनवा रहे हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना हुआ है वहां पर ऑक्सीजन की व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे? दिल्ली का ऑक्सीजन प्लांट परमिशन मांग रहा है, संजीव झा आज तक नहीं मिली, 1 मई को आपने परमिशन दी, कल हम ये कह रहे थे छोड़ेंगे। संजीव झा ये कहते हैं कि आप ऑक्सीजन इंश्योरिंग लॉजिस्टिक्स नहीं संभाल पा रहे हैं,